आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा गेमिंग लैपटॉप। तो आज मैं आप सबको इस लैपटॉप के बारे में काफी सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये लैपटॉप ऑलराउंडर है, आप इसमें बहुत अच्छी तरह से गेम वगैरह खेल सकते हैं या फिर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। के लिए यहाँ पर AMD Ryzen 7 400 सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है और अगर इसका मॉडल नंबर बताऊं तो 4800H वाला जो मॉडल है प्रोसेसर का AMD का वो वाला इस्तेमाल किया गया है जो कि एक्चुअली में एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और साथ ही साथ में यह 16 थ्रेड भी सपोर्ट करता है। ये प्रोसेसर काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ में ये समझ में आ जाता है कि ये प्रोसेसर देने की वजह से इस लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर DDR4 RAM सपोर्ट करता है और यहाँ पर जो आप ये लैपटॉप खरीदेंगे इसके अंदर में 8GB RAM ऑलरेडी आपको दिया जा रहा है। अगर आप चाहे तो इसको 32GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दो रैम स्लॉट्स दिए गए हैं यानी आप उस हिसाब से एक्सटेंड कीजिए, मतलब 16 दोनों रैम आप यहाँ पर DDR4 का इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर में अगर आप चाहे अपग्रेडेशन के लिए। फुल गेम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज हो जाता है प्रोसेसर के बाद वो है ग्राफिक कार्ड। अगर आप बहुत अच्छा हाई ग्राफिक्स के एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तब भी ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इस लैपटॉप के अंदर में NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल किया गया है और इसकी वजह से इसका एडिटिंग परफॉर्मेंस गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों काफी बढ़िया निकल के आ जाता है। दोस्तों गेमिंग के लिए या फिर हाई एडिटिंग के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए वो और एक चीज इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है स्क्रीन। यहाँ पर 15.6 इंच का स्क्रीन दिया गया है और इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 144Hz जो कि काफी अच्छा है, मतलब आप काफी बढ़िया गेमिंग कर पाएंगे। रिफ्रेश रेट जितना अच्छा होता है पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा दिखा पाता है कोई लैपटॉप या फिर कोई डेस्कटॉप मॉनिटर जो भी हो। रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है हाई क्वालिटी पिक्चर को शो करने के लिए, चाहे वो मूवी वगैरह हो या फिर कोई पिक्चर हो, कोई फोटो हो, जो भी हो। और स्क्रीन के अंदर में जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 141 PPI का और ये जो स्क्रीन है ये जी सिंक को भी सपोर्ट करता है।
दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है इसका जो एयर सर्कुलेशन, क्योंकि गेमिंग के टाइम में लैपटॉप गर्म होगा ही, अगर वो हीट नहीं निकल पा रहा है तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत लैग इश्यूज आपको गेम्स में देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छा होना चाहिए एज ए गेमिंग लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो भी आप कहिए। इस लैपटॉप के अंदर में काफी अच्छा एयर सर्कुलेशन सिस्टम दिया गया है, दोनों फैंस का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ में पीछे की तरफ आपको एयर सर्कुलेशन मतलब हॉट एयर को निकालने के लिए दो वेंट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है और हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए और कॉन्टैक्ट करके फैन तक लाने के लिए यहाँ पर कॉपर पाइप्स के इस्तेमाल किए गए हैं। वैसे दोस्तों, इस लैपटॉप का माइक का जो क्वालिटी है, वीडियो रिकॉर्डिंग का जो क्वालिटी है, इनफैक्ट गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस के टाइम पर ही कितना हीट जनरेट करता है या फिर गेमिंग शुरू होने से पहले इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है या फिर जो भी चीजें इसका हो रहता है, एडिटिंग परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके मैं एक दूसरा वीडियो लाने वाला हूँ। ये अनबॉक्सिंग का था और इस लैपटॉप का पूरा ओवरव्यू का है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, और साथ ही साथ में 2-3 दिन के लिए बस इंतजार कर जाइए, मैं इसका पूरा जो रिव्यू है वो लाने वाला हूँ। दोस्त, अगर आपको मूवी वगैरह स्टोर करके रखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर में कितना सारा स्टोरेज कैपेसिटी दिया रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर एक्सटेंडेबल एक अलग से 2.5 साटा जो पोर्ट रहता है वो लैपटॉप के अंदर में दिया गया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 2.5 कोई भी SSD या फिर कोई भी हार्ड डिस्क ड्राइव आप बाद में इस लैपटॉप को खरीदने के बाद में यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप खुद लगा सकते हो बढ़िया है, या फिर आपको जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाकर इसको लगवाना पड़ेगा। इस लैपटॉप को मैं बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं खुद भी इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसीलिए उसी साथ में मैं आपको भी दिखा दूंगा कि एक्चुअली में कितना आप स्टोरेज एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर मतलब कि ये जो मैटर है एक्सपेंड करने का जो मैटर है स्टोरेज का, वो सारी चीजें मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर में आप जब खरीदते हैं इस लैपटॉप को तो इनबिल्ट में 512 GB का SSD आपको मिल जाता है, जो कि एक्चुअली में सी ड्राइव वाला होता है। अगर आप चाहे तो इसको फॉर्मेट करके जो पार्टीशन है उसको क्रिएट करके अलग से पार्टीशन कर सकते हैं स्टोरेज के लिए, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बताना चाहूंगा 512 GB का जो आपको स्टोरेज यहाँ पे मिलता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 120 या 150 GB खुद सिस्टम खा जाता है, तो मैं बताना चाहूंगा आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि सी ड्राइव में जितना ज्यादा स्टोरेज रहता है उतना मशीन का स्पीड अच्छा रहता है। शॉर्ट जगह में सिस्टम का सी ड्राइव को इंस्टॉल कीजिएगा, विंडोज जो रहता है उसको इंस्टॉल कीजिएगा, तो वहां पर स्पीड में थोड़ा ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर आपको स्टोरेज बढ़ाना है तो सेकंड जो स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है, एक स्लॉट दिया गया है, वहां पर आप स्टोरेज को एक्सटेंड कीजिए, आपका मशीन का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए इस लैपटॉप को खरीद रहे हैं तो इन प्रेजेंट में जितना बड़े बड़े साइज का गेम्स होते हैं उसमें अगर मैं बताऊं तो आप करीब 4 या 5 गेम ही इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे विंडोज 10 होम जेन्युइन वाला दिया गया है और ये लाइफ टाइम एक्टिवेशन के साथ में दिया गया है। मेरी मानिए फॉर्मेट ना ही करना बेहतर है, अगर आप फॉर्मेट वगैरह करते भी है तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि दोबारा आपको इंस्टॉलेशन के लिए सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, वो लोग आपको फ्री में कर देगा क्योंकि ये लाइफ टाइम है। ये जो लैपटॉप है इसके स्क्रीन के साइड में अगर आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, जो बेजल है वो काफी ज्यादा पतला है, जिसके लिए इसका स्टाइल काफी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में इसका जो नैरो बेजल है ऊपर की तरफ में, यहाँ पर इसी नैरो बेजल के अंदर में कैमरा इस्तेमाल किया गया जो वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है 720 पिक्सल तक, या आप चाहे तो इसके द्वारा वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। कैमरे के बाद दोस्तों, वीडियो कॉलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाता है वो है माइक। जो कैमरा है उसके साइड में एक माइक होल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एरे माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया गया है जिसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। दोस्तों, ये जो लैपटॉप है आपको 1 साल की वारंटी के साथ में मिल जाएगा, और वजन की बात करें तो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ठीक ठाक है, करीब 2.5 kg के अंदर में इसका जो वजन है वो आ जाता है। दोस्तों, इस लैपटॉप को मैंने अपने पैसे से खरीदा है और इस लैपटॉप को मैंने ऑफर में खरीदा है, तो थोड़ा कम प्राइस में मुझे मिल गया था, करीब 71,000 के अंदर ये लैपटॉप मुझे मिल गया था। इस लैपटॉप का ये जो सीरीज है इसका कई सारे मॉडल्स है, मतलब कि दोस्तों इसका जो प्रोसेसर सेम है, इसका जो आउटर फिजिकल स्ट्रक्चर है सब सेम है, कीबोर्ड, इसका जो टच पैड है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें शायद जो 512 GB का SSD दिया गया है दूसरे मॉडल में, इसके साथ में शायद आपको
एक हार्ड डिस्क भी एक्सटेंडेड किया हुआ देखने को मिल सकता है। सीरीज से में बस मॉडल नंबर के हिसाब से ये जो लैपटॉप है इसका स्टोरेज रैम ये थोड़ा इधर उधर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो मॉडल है इसको आप चाहे तो अपग्रेड भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंपनी में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तो वहां से आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं खरीदने से पहले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहिए दोस्तों।